अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोगों की बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं ठीक। तो जी आज सुबह सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी मैंने, धीरे धीरे चला लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। हाँ, हम लोग जा रहे हैं ज़रा अलीगढ़, सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं शायद। तो जी हम सुबह सुबह जा रहे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ क्यों जा रहे हैं? अलीगढ़ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी फूफी रहती थी और उनका इंतकाल हो गया है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं, शायद आवाज़ तो आ रही होगी अभी तो। तो बस अब हम जा रहे हैं अलीगढ़ और उसके बाद फिर घर वापस आएंगे। बच्चे हमारे साथ ही हैं, ड्राइवर साहब भी हमारे साथ हैं। मौसम आप देख सकते हैं ऑसम हो रखा है, धूप अभी बिल्कुल भी नहीं निकली है और दिल्ली के अंदर ये सब इतना पोल्यूशन है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। आउट ऑफ जब एरिया आते हैं तभी देखने को मिलता है, अलीगढ़ सासनी और ये सब चीज़ें तभी देखने के लिए मिलती हैं। तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, सुबह सुबह रोज़ अगर ऐसी ग्रीनरी देख रहे तो बीमारियाँ आती दूर हो जाए। चलिए जी मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी हम लोग वहाँ से आ चुके हैं और अब भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, तो हमें आसिफ जी खिला रहे हैं हलीम। तो ये हमारा हलीम है और ये आसिफ जी हैं। गाइस अलीगढ़ वालों, बहुत जबरदस्त हलीम है, ज़बरदस्त उम्दा। मैंने कभी इस तरीके से बाहर हलीम खाया नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। और भूख जब लग रही हो ना, मौसम भी बहुत अच्छा है, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, माशाल्लाह ग्रीनरी देख सकते हैं आप। तो हम लोग गाड़ी में एंजॉय करें और मैं फ़र्स्ट टाइम गाड़ी में बैठ के से खाना खा रही हूँ, मुझे गाड़ी में बैठ के खाना नहीं खाया जाता, लेकिन सब अच्छा है, अल्लाह तेरा शुक्र है खाना मिल गया है, पेट भर रहे हैं। फिर आपसे घर पे ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अगर बीच में कहीं रुकते हैं तो फिर अब दिखाते हैं। पापा दूसरी वाली गाड़ी में आ रहे हैं, हम लोग इस वाली गाड़ी में जा रहे हैं। चलो पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। इतनी अच्छी स्मेल है ना, मतलब आपका दिमाग फ्रेश कर दे सच्ची, मिट्टी की सोनी सोनी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। मैं तो मतलब दिमाग कर रहा है कि बस सुनते ही चले जाओ उसको। बेटा गिर जाएगी चाय जैसे आप कर रहे हो। वाओ इलायची वाली, ये आपकी है ज़्यादा गर्म है, मुझे हमें कुल्ला खाली कर। अल्फिया पीछे आओ, अल्फू अनाज इधर आ जाओ। ओ वाओ की नानियों, ये ना खा जाएंगे, वाओ मत करो, इधर आओ नीचे उतर कर आओ जल्दी आओ। ओ बे ये तो पूरा है, अच्छे मेरे बच्चों आओ। आ जाओ हिनाज, अभी कहाँ जा रहे हैं ये देखो। हाय गाइस, ये हम हैं और ये हमारा ढाबा है और यहाँ बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है यहाँ पर। नहीं कोई हवा नहीं लेनी, घर चलो, अब वो सारी हवाएं घर लेंगे अब हम।
और क्या चीजें खाएंगे फिर। अल्फिया आप नीचे पीछे जाओ, पीछे बैठो ठीक है। मम्मा के ना पैरों में दर्द होता है बेटा। चलो जी, हाँ बारिश से पहले घर चलना है। बारिश हो रही है हल्की हल्की यहाँ पर। आपके संवाददाता अंजुमन रानी के साथ अलीगढ़, हाँ हटो हटो हटो, अंजुमन रानी के साथ अलीगढ़ व्लॉग शेयर करती हुई मैं वीडियो शूट करते हुए कैमरा मैन मैं ही हूँ, और मैं ही आपकी होस्ट हूँ, मैं ही आपकी कैमरा मैन हूँ। इधर आओ, इधर इधर। और यहाँ हमारे बच्चे बंद कर दो, कर रहे क्या हो गया, जैसा करा ले। ये नींदी पूरी वो के सामने आ चुकी हूँ। अभी अभी आप लोगों ने देखा हमारा वीडियो व्लॉग जो था, मतलब वीडियो अभी तक जो आप लोगों ने देखा वो था अलीगढ़ से और दिल्ली रिटर्न आने का। हम लोग अलीगढ़ नहीं गए थे, हम लोग गए थे सासनी। सासनी क्यों गए थे अभी तक आप लोगों को वैसे पता चल ही गया होगा, जब तक ये वीडियो आएगा तब तक आप लोगों को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। बट फिर भी मेरा काम है, मैं अपना काम अलग से करूँगी, जुमजुम वर्ल्ड अपना काम अलग करती है, मेरा काम अलग रहता है। तो जी हम लोग गए थे यहाँ से सासनी। सासनी इसलिए गए थे कि जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा, जिन लोगों को मैं बता देती हूँ कि बुलबुल की देवरानी के हुआ था बेटा जो था प्रीमेच्योर था, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चे में काफ़ी सारी दिक्कतें थी। प्रीमेच्योर था, 6 महीने में ही पैदा हो गया था। तो वो आशीष जी कितनी तारीख हुई थी, कितनी तारीख 20 जनवरी को वो एक्सपायर हो गया था, क्योंकि वो प्रीमेच्योर था, उसके इलाज चल रहा था उसके 21 तारीख को, हाँ 21 तारीख को एक्सपायर हुआ उसके जो है इलाज चल रहा था। दिल्ली में उन लोगों के कई विज़िट लगे थे, बुलबुल जो है वो उनके विज़िट में ही आई थी, बुलबुल कोई रहने के हिसाब से नहीं आई थी। बुलबुल जो है वो उस बच्चे को लेकर यहाँ आए थे, ये लोग रातों रात के उसकी आँखों के पर्दे नहीं बने थे तो एम्स में उसको इंजेक्शन लग रहे थे। तो ये सब कहानी चल रही थी, वो लोग दो बार विज़िट भी कर चुके थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, बच्चा ठीक हो रहा था लेकिन नहीं समझ में आया क्या दिक्कत आई क्या नहीं हुआ। ऊपर वाले की करना ऐसा हुआ कि 21 तारीख को 20 तारीख को उसका इंतकाल हो गया। तो बुलबुल सुबह सुबह मेरे पास आई कि भाई अभी जाना है अलीगढ़, मतलब घर जाना है, ऐसे ऐसे बाबू एक्सपायर हो गए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। फिर हम लोग भी यहाँ से, क्योंकि बुलबुल थी, मम्मी को नहीं ले जा सकते थे क्योंकि मम्मी शुगर पेशेंट है और वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, तो ठंड में नहीं निकल सकती हैं और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने सोचा कि आसिफ जी और मैं गए थे बुलबुल को लेके, उसकी फैमिली को लेके अली सासनी। तो फ्राइडे वाला ही दिन था तो हम लोग वहाँ पहुँचे जल्दी जल्दी। वहाँ पर बस आसिफ जी ने गाड़ी ड्राइव करी और हम लोग, खैर उन लोगों ने मिट्टी को रोक रखा था क्योंकि बुलबुल बड़ी मम्मी लगती हैं बच्चे की, जब तक वो नहीं गई थी तो बच्चे को नहीं उन लोगों ने मतलब वो करा था। मैं ज़्यादा डीपली नहीं घुसूंगी इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीपली गई तो मेरा वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब चीज़ें चल भी रही थी तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत मुझे परेशानी हुई थी। तो बस मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर मुझे मेरे बच्चे भी संभालने हैं, और जब किसी का ऐसा कुछ होता है तो मुझे मेरे बच्चे की याद आ जाती है। तो वो हो गया था। अगले दिन हम जब वहाँ से विदा लेके निकल रहे थे, मैं सीढ़ियों पर से उतर ही रही थी बुलबुल के घर से, तब फिर मेरे भैया का फ़ोन आया कि मेरी पप्पी के भी इंतकाल हो गया था। तो अब फिर जब मैं वहाँ थी ही तो भैया ने कहा कि तुम वहाँ पर हो तो वहाँ चले जाना, अलीगढ़ में पप्पी रहती थी। तो फिर हम लोग, फिर मैंने कहा ठीक है हम लोग यहाँ से अलीगढ़ के लिए निकल रहे हैं। बुलबुल भी हमारे साथ निकलने वाली थी, तब पर मैंने अपने बहन का बेटा था, हाँ मैंने कज़न को फ़ोन करा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, उसने कहा हाँ खाला जी बात तो है लेकिन अभी आप लोग मत निकलना क्योंकि अभी तो मैं मिट्टी को लेके जा रहा हूँ, अभी हम देखते हैं मिट्टी कब लगेगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने बताया कि नहीं हम लोग मिट्टी जो है वो कल सुबह लगाएंगे, मंडे के संडे को उनका इंतकाल हुआ था और मंडे को मिट्टी लगाएंगे वो लोग। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर हम लोग फिर एक रात नाइट स्टे किया हम लोगों ने सासनी में ही। अगले दिन मॉर्निंग में हम निकल गए थे, मॉर्निंग में सुबह सुबह निकले थे, जो कि आप लोगों ने अभी देखा था कि हम लोग अलीगढ़ जा रहे थे, हम लोगों की हालतें भी ऐसी थी। तो फिर हम लोग वहाँ मिट्टी में शरीक हुए, पापा भी पहुँच गए थे यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पापा की बहन थी। तो पापा फिर भैया हैं मेरे,
एक और भैया हैं उनकी गाड़ी लेके, फिर पापा उनके साथ उनके बेटे के साथ, फिर वो अलीगढ़ अपनी गाड़ी से पहुँचे। हम लोग यहाँ पर कार लेके जा ही चुके थे, तो हमने सासनी में बुलबुल को छोड़ा, एक रात उसके साथ रुके। अगले दिन की वापसी फिर हमने करी, फिर हम पहले अलीगढ़ गए, अलीगढ़ में बुआ की मिट्टी में शरीक होके वहाँ मुँह झुटला के फिर हम लोग अपने घर के लिए रवाना हुए। अच्छा जी, तो अब लोग बहुत सारे लोग ये कहेंगे आप लोग तो इन्जॉय कर रहे थे और ये था वो था, तो जी देखो ऐसा नहीं था। हम लोगों ने खाना खाया वहाँ पर, तो कड़वी रोटी जो थी वो बिरयानी थी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कोई भी इंतकाल में जाता है तो पेट भर के खाना खाकर आता होगा। बच्चे हमारे साथ थे, पेट भर के हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। और सुबह सुबह बुलबुल के यहाँ से निकले थे, तो मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ चाय बिस्किट लिए थे, और आसिफ जी भी मॉर्निंग में कुछ नहीं खाते, बच्चों ने भी चाय बिस्किट लिए थे। हम वहाँ चले गए थे, 1 बजे का टाइम था, 1 बज गया था, सारा काम वाम करते करते 12 बज गए थे। हाँ, वहाँ पर सारा कफन दफन सब कुछ करा तो 12 बज गए थे। फिर 12 बजे वहाँ पर खाना खाया, थोड़ा बहुत ही मूड झुटलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर माहौल ऐसा होता है कि मन नहीं करता। तो वहाँ से हम लोग निकले, फिर आसिफ जी ने कहा कि यहाँ पर ये हलीमे ही थोड़ा सा खा लो, तो इस वजह से हम लोगों ने खाया, फिर चाय पी और थोड़ा बहुत ही स्नैक्स वगैरह लेते, ज़्यादा कुछ नहीं, तब फिर हम घर आ गए थे। तो इसलिए, और सफ़र बहुत लंबा था, ये नहीं था कि मैं थोड़ी सी देर के लिए गई थी नानी का घर है या कि अपने घर पर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत लंबा सफ़र था, 3 घंटे लग जाते, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों के साथ में भूख प्यास सब लगती है, इंसान बात भी करता है, हंसता भी है, रोता भी है, हर चीज़ होती है। तो नेगेटिव कमेंट जिनको करने, खैर वो तो बाज नहीं आएंगे, वो कर लेना, आपको खुशी मिल जाएगी। आपका भी दिल वो होता होगा ना कि यार हमने कुछ किसी को कहा क्यों नहीं, तो प्लीज़ आप लोग कह लेना, अपना दिल हल्का कर लेना, मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। और बस मैं इसी के साथ इस वीडियो को करूँगी एंड। लेकिन वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने और जो आगे वाला जो एक व्लॉग और आएगा उसके अंदर मैंने थोड़ी सी बुलबुल के साथ कुछ हम लोग आउटिंग पे गए थे, जैसे अचानक केतन वगैरह गए थे, तो कुछ वीडियो शूट्स कर रखे हैं, कुछ क्लिपिंग्स मेरे पास हैं, तो वो व्लॉग एक और मैं बुलबुल के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर हमारे नॉर्मल रूटीन के व्लॉग चलेंगे। तो जी, इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं करती हूँ पूरा एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, शबी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको हिम्मत और सब्र दे और उसकी गुद जल्द से जल्द भरे, क्योंकि एक माँ का जो दुख होता है ना, वो उसके बच्चे का खोने का गम, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो बस हम शबी के लिए दुआ कर सकते हैं कि वो सबिया को सब्र दे और जल्द से जल्द एक औलाद की खुशी अता फरमा दे, उनका वही बाबू रिटर्न ना उनके पास आ जाए, ये अल्लाह को जो बेहतर लगे वो दे दे। बेहतर तो यही होगा, उसको खुशी इसी में मिलेगी कि अल्लाह ने बेटा दिए अपने पास बुलाया है, तो वापस भी वही कर दे, वही बेटा कर दे। तो चलो जी, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और मैं, पता है, बातें तो करने के लिए बहुत सारी हैंगी और बहुत कुछ हैगा, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहती क्योंकि मुझे अब फिर अपने बेबी की याद आ जाती है, मुझे रूहान की याद आ जाती है ये सब चीज़ें देखते हुए। और इनायत और रूहान के बीच में 2 साल का गैप है, तो वो 2 साल मैंने कैसे काटे वो मुझे पता है कि किस तरीके से मैंने गया। अल्लाह पाक छवि को इतना इंतज़ार ना कराए, अल्लाह पाक जल्द से जल्द छवि की गोद भर दे। और बस हम दुआ ही कर सकते हैं, दुआ के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। सब्र और शुक्र वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह पाक सब्र भी देगा, अल्लाह पाक शुक्र है तेरा कि तूने, ठीक है, जैसा भी था, पता नहीं आगे क्या था नसीब में क्या नहीं था, कोई बोल रहा है प्रीमेच्योर था इसलिए चला गया, तो मैं एक बार बता दूं, ऊपर वाला जिसको रखना चाहे ना वो रखे, जिसे लेना चाहे रखे, उसका तो प्रीमेच्योर था। मेरा जो रूहान था ना वो फुल टाइम का था, उसका बेबी तो मेरे ख्याल से 1.25 किलो ऐसे ही कुछ था, कुछ ग्राम्स का था, मेरा तो 4.5 किलो का था, बट तब भी वो चला गया। तो इसलिए ऊपर वाले की मसलियत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसने क्या दिया भी था, उसकी चीज़ थी, उसने ले भी ली, उसकी चीज़ थी, तो बस अल्लाह तेरा शुक्र ही करा चाहिए हर हाल में, जिस हाल में वो मौला रखे, शुक्र करिए और सब्र करिए बस। तो चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूँगी, तब तक फिर भी अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जो आपको करना हो कर देना, कमेंट बॉक्स आपका है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।